तरह प्रस्तुत किया है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का कार्य जिस कुशलता के साथ आगे बढ़ रहा है उसकी सराहना पूरी दुनिया ने की है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के कोविड प्रबंधन को एक मान्यता सी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देश में बनी कोरोना रोधी वैक्सीन दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन में से एक है। ये पहली बार हुआ जब किसी महामारी कोरोना रोधी वैक्सीन इतनी शीघ्र वैक्सीन का विकास हुआ हो और वह प्रभावी ढंग से इतने व्यापक पैमाने पर जिसका उपयोग हुआ हो। भारत का कोविड प्रबंधन न केवल जीवन को बचाने का है बल्कि इसके तीव्र संक्रमण के बावजूद जीविका को बचाने का भी एक अभिनव अनुभव है। स्वाभाविक रूप से भारत के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश होने के कारण कोरोना जैसी महामारी में सबसे बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश के सामने था। चाहे वह प्रवासी कामगार और श्रमिकों को, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य रहा हो या फिर देश के अंदर उत्तर प्रदेश के द्वारा कोविड प्रबंधन का अपना मॉडल प्रस्तुत करने का रहा हो, एक बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार के साथ मिलकर के इसे पूरा करने का प्रयास किया और पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन को सराहना मिली है। फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत महसूस की गई और उस समय भारत सरकार ने ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलाकर वायुसेना के विमानों से टैंकर भेजकर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रत्येक जनपद को करने का प्रयास किया और ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए। सेकेंड वेव के बाद ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो कदम बढ़ाए जाने चाहिए थे तेजी के साथ उत्तर प्रदेश ने इस पर कार्य किया। पीएम केयर्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, सीएसआर की ओर से, जनप्रतिनिधियों की मदद से 551 ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश ने अलग अलग जनपदों में लगाए हैं और आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। बुलंदशहर जनपद में भी
14 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं जिनमें 13 क्रियाशील हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कोविड प्रबंधन का कार्य, जिसमें गांव हो या शहर, निगरानी समितियों के माध्यम से डोर टू डोर स्क्रीनिंग का कार्य, हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराना और अगले 24 घंटे के अंदर उन सभी का आरआरटी यानी रैपिड रिस्पांस टीम भेज करके टेस्ट करवाना, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जहां है बीमार वहीं पे है उपचार, और इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने निगरानी समितियों के माध्यम से प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया। और आज इसका परिणाम है कि जो थर्ड वेव की आशंका अगस्त सितंबर 2021 में व्यक्त की जा रही थी, उसको प्रभावी रूप से नियंत्रित किया ही उत्तर प्रदेश थर्ड वेव को भी रोकने में काफी हद तक सफल हो चुका है। मेरा अनुमान है कि अगले 8 से 10 दिन के अंदर थर्ड वेव पूरी तरह नियंत्रित होगा। वैक्सीनेशन के लक्ष्य को भी उत्तर प्रदेश ने बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है, और आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश आज सायंकाल तक 26 करोड़ वैक्सीन की डोज देने वाला देश का पहला राज्य होगा, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर फर्स्ट डोज प्राप्त करने वाले 99% से अधिक लोगों को फर्स्ट डोज उपलब्ध करवा देंगे। सेकेंड डोज प्राप्त करने वालों की संख्या 70% उत्तर प्रदेश में होगी, और उत्तर प्रदेश कोविड टेस्ट करने वाला देश का सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला राज्य भी है। 9,93,00,000 से अधिक टेस्ट अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न हो चुके हैं। बुलंदशहर ने भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक निर्णायक भूमिका में अपना योगदान दिया है। वैक्सीन की बात अगर करें तो आपके बुलंदशहर में यहां पर फर्स्ट डोज लेने वाले कुल वैक्सीन की डोज जो दी गई है वह 41,85,000 वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। 18 से अधिक आयु के जिन लोगों ने वैक्सीन की डोज ली है, इसमें 24,37,000 लोगों को फर्स्ट डोज यहां पर प्राप्त हो चुकी है। दूसरी डोज लेने वाले डबल डोज लेने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या 15,86,000 है। 15 से 18 आयु वर्ग के 1,40,000 यूथ ने वैक्सीन की डोज ले ली है, और प्रिकॉशन डोज भी यहां पर 22,000 से अधिक लोगों को दे दी गई है, यानी यह कुल लक्ष्य का 97% से अधिक है। वैक्सीनेशन के लक्ष्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का परिणाम है कि थर्ड वेव की आशंका को उतना ही न्यूनतम करने में सफलता प्राप्त हुई है। आज कोविड का थर्ड वेव की जो आशंका थी दुनिया में, हो सकता है इसके कारण काफी नुकसान हुआ है, वहां पर लॉकडाउन भी है, लेकिन बिना लॉकडाउन के केवल नाइट कर्फ्यू के आधार पर, सतर्कता और सावधानी के आधार पर, समय पे टेस्ट, समय पे उपचार, सभी गरीबों को फ्री में डबल इंजन की सरकार के द्वारा डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना और वैक्सीनेशन फ्री में, वैक्सीन सबको वैक्सीन यह प्रदान करने में हमें जो सफलता प्राप्त हुई, आज उसका परिणाम है कि थर्ड वेव पूरी तरह नियंत्रित है। तेजी के साथ पिछले 10 दिन के अंदर प्रदेश के अंदर जो एक्टिव केसेस थे वह कम हुए हैं। आज से एक सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव केस जो प्रदेश के अंदर थे वह 1,06,000 थे। एक सप्ताह में इनमें कमी आई है लगभग 50,000 की, और हॉस्पिटल में भी जो लोग हैं वे मात्र 1% लोग हॉस्पिटल में हैं,
जो हॉस्पिटल में भर्ती होने के साथ तीसरे चौथे दिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जा रही है। यानी एक सफल मॉडल कोरोना प्रबंधन का उत्तर प्रदेश के अंदर लागू है, जिसमें जीवन और जीविका दोनों को बचाने का प्रबंध है। भारत सरकार का भरपूर सहयोग है, डबल इंजन की सरकार का लाभ प्रदेश की 25 करोड़ जनता को न केवल उनके जीवन को बचाने के लिए बल्कि उनकी जीविका को बचाने में भी सफलतापूर्वक हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैंने इसीलिए बुलंदशहर के इस डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है और यहां पर इन सभी चीजों को नजदीक से देखा है। यद्यपि प्रतिदिन शासन स्तर पर हम लोग इसकी समीक्षा करते हैं, लेकिन जनपद स्तर पर मेरा प्रयास रहता है कि जिस भी जनपद में मैं जाता हूं, सेकेंड वेव के दौरान ही मैंने इस चीज को तय किया कि हर एक जनपद में कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण भी करेंगे। आज मैंने यहां पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। संतोषजनक स्थिति में यहां पर सभी चिकित्सक प्रशासन, कोरोना वॉरियर्स, जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। मेरी जनता जनार्दन से यही अपील है कि थर्ड वेव खतरनाक नहीं है, भागने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये बीमारी तो है, इसलिए सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। बुजुर्ग लोग जो बीमार हैं, किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, वे लोग, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, बच्चे, ये सभी लोग अनावश्यक घर से बाहर न निकले। शेष लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं तो भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाने से बचें, मास्क अनिवार्य रूप से धारण करें। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कोविड प्रबंधन के लिए जो गाइडलाइन तय की गई है उसका पालन करेंगे तो कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। अब दिन दूर नहीं, बहुत शीघ्र यह हम लोग दुनिया के अंदर साबित करेंगे। एक बार फिर से जनता जनार्दन से ये अपील है कि कोरोना को प्रभावी नियंत्रण करने के लिए जो शासन ने गाइडलाइन जारी की है, हम उसका पालन करेंगे। धन्यवाद।